तो सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा को लेकर बिहार विधानसभा में बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री इस मामले पर बयान दें। बिहार में रामनवमी पर हुई हिंसा सत्र का आज आखिरी दिन है और सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। बीजेपी विधायकों ने सत्र के आखिरी दिन हिंसा, बिजली और कानून व्यवस्था पर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और सदन में हंगामा किया। जिस तरह से महोदय पुलिस को खदेड़ खदेड़ कर पीटा जा रहा है, पूरा बिहार नहीं देश देख रहा है, महोदय सरकार को उस पर भी जवाब देनी चाहिए। साथ ही विपक्ष के लोगों ने पोस्टर लेकर नारेबाजी की। हंगामे को लेकर बिहार विधानसभा के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि हंगामा करना बीजेपी का चरित्र है। तो वहीं सदन में हंगामा करने के लिए विधायक जीवेश मिश्रा को सदन से मार्शल आउट कर दिया गया। जीवेश मिश्रा बिहार हिंसा मामले में लगातार सदन में विरोध कर रहे थे और नीतीश कुमार से जवाब देने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया। अगर हमारी जनता सुरक्षित नहीं रहेगी, बिहार का हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम जीकर क्या करेंगे। बिहार बीजेपी ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। विपक्ष के नेता विजय सिन्हा के मुताबिक सरकार के अधिकारी हिंसा में शामिल हैं, अपराधियों को सरकार संरक्षण दे रही है। बिहार में रामनवमी पर हुई हिंसा के मामले में सियासत जारी है। अब नीतीश कुमार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में साजिश के तहत हिंसा कराई गई थी, ये सब जानबूझकर किया गया। नीतीश ने इशारों में कहा कि दो लोग बिहार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनमें से एक राज कर रहा है और उसका एक एजेंट है। और दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है, एजेंट है। नीतीश कुमार ने इस दौरान ओवैसी पर हमला बोला। नीतीश ने ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताया, साथ ही ये भी कहा कि केंद्र के इशारे पर ही ओवैसी बोलते हैं। MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है। वहीं नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने पलटवार किया। सुशील मोदी ने कहा कि दंगे के लिए नीतीश सरकार जिम्मेदार है। जो भी कुछ हिंसा हुई है उसके अगर कोई जिम्मेवार है तो बिहार सरकार जिम्मेवार है। सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा को लेकर बिहार विधानसभा में बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री इस मामले पर बयान दे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। बीजेपी विधायकों ने सत्र के आखिरी दिन हिंसा, बिजली और कानून व्यवस्था पर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और सदन में हंगामा किया। जिस तरह से महोदय पुलिस को खदेड़ खदेड़ कर पीटा जा रहा है, पूरा बिहार नहीं देश देख रहा है, महोदय सरकार को उस पर भी जवाब देनी चाहिए। साथ ही विपक्ष के लोगों ने पोस्टर लेकर नारेबाजी की। हंगामे को लेकर बिहार विधानसभा के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि हंगामा करना बीजेपी का चरित्र है। तो वहीं सदन में हंगामा करने के लिए विधायक जीवेश मिश्रा को सदन से मार्शल आउट कर दिया गया। जीवेश मिश्रा बिहार हिंसा मामले में लगातार सदन में विरोध कर रहे थे और नीतीश कुमार से जवाब देने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया। अगर हमारी जनता सुरक्षित नहीं रहेगी, बिहार का हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम जीकर क्या करेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बंगाल हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने पूछा हनुमान जयंती पर क्या है तैयारी। तो ये बड़ी अपडेट है, शांति बनाए रखने के लिए क्या कर रही है सरकार, ये कोर्ट की तरफ से पूछा गया। शांति कायम करने के लिए केंद्र से मदद ले राज्य सरकार, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी अपडेट है, हनुमान जयंती के मौके पर किस तरह की तैयारी राज्य की तरफ से की जा रही है, राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है, ये पूछा है हाईकोर्ट ने। और साथ ही ये भी कहा कि केंद्र से मदद ले। और हावड़ा में रामनवमी के दौरान भड़की हिंसा के बाद राज्य बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा। इसमें राज्य में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए सत्ताधारी TMC की मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया। इस चिट्ठी के मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से कानून व्यवस्था के हालात पर 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट भेजने को कह दिया। इस बीच मंगलवार को बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला तो हालात का जायजा लेने बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी रिसरा पहुंच गईं। ये केंद्रीय सरकार का है, ये ट्रेन जो 144 यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, अगर होगा तो मुझे दिखाना चाहिए पेपर। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी सड़कों पर प्रदर्शन किया।
इस हलचल के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो बिहार से किराए के गुंडों को लाकर बंगाल में हिंसा फैला रही है। बिहार से के गुंडा नहीं आसछे, बिहारे सब मानुष तो गुंडा नय। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पहली बार जमकर हमला बोला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द मामले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी की सांसदी जाने को लेकर सिंधिया ने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि किसी सांसद की सदस्यता रद्द की गई हो, तो इस बार इतना हंगामा क्यों बरपा है? ये पहली बार नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई सांसद के संसदीय सदस्यता को बर्खास्त की गई है। सिंधिया के बयान पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया। आज वो सत्ता पक्ष में है इसलिए राहुल के खिलाफ बोल रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं। आज वो सत्ता पक्ष चले गए कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ के, तो उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी के लिए ढोल बजाना जरूरी है। वहीं संसद की कार्यवाही आज भी हंगामे के साथ शुरू हुई। सदन में आज जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच सदन को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। भारी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अदानी मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा हुआ। भारी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में नारेबाजी शुरू हो गई। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद न चलने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। संवैधानिक तौर तरीके का हनन हो रहा है, इसके बारे में हम आवाज उठाना चाहते हैं, पर संसद चलने ही नहीं दे रहे हैं, कार्यवाही ही नहीं चलने दे रहे हैं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सब अदानी बचाओ कार्यक्रम में लगे हुए हैं। विपक्ष अदानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग कर रही है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के नेताओं ने एक बैठक की। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में हुई। महाराष्ट्र को अहमदनगर और नंदुरबार जिले में 2 गुटों में मामूली वाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई और इसके बाद दोनों जिलों में दोनों गुटों ने जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की। इसके बाद कई लोग इसमें घायल हुए जबकि कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। महाराष्ट्र के अहमदनगर में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई है जिसके बाद दोनों गुटों में जमकर पथराव और आगजनी हुई है। पथराव में 4 से 5 लोग घायल हो गए जबकि आगजनी में कई गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती है और पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं महाराष्ट्र के नंदुरबार में ऐसी तस्वीर देखने को मिली। यहां भी बीती रात को 2 गुट मामूली बात पर आपस में भिड़ गए जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाद को शांत करवाने की कोशिश की जिसमें 2 पुलिस वाले भी घायल हो गए। यहां पर लोगों ने किस कदर हंगामा काटा था उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर लोगों ने किस तरह से उत्पात मचाया था। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। भारत राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, राजनाथ सिंह ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का कद बढ़ा, आज भारत को दुनिया सुन रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश अब राम राज्य की ओर बढ़ रहा है और सरकार किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्व नौकरशाह धीरज भटनागर द्वारा लिखित रामचरितमानस के हिंदी काव्य अनुवाद के विमोचन समारोह में पहुंचे थे और वहां कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार भगवान राम द्वारा बताए गए आदर्शों के रास्ते पर चल रही है। हम देश में किसानों, मजदूरों, व्यापारियों से लेकर युवाओं और महिलाओं के कल्याण का हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। मैं तो यह नहीं कह सकता हूं कि देश में सर्वत्र राम राज्य व्याप्त हो गया है, पर इतना जरूर है कि हम उस दिशा में काफी हद तक आगे बढ़े हैं।
मैं देश को गुमराह नहीं करना चाहता, उस दिशा में आगे बढ़े। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि भगवान राम का जीवन सरकार के मार्गदर्शक जैसा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव को आज मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुलायम सिंह यादव को मिला सम्मान उनके बेटे अखिलेश यादव को सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव को बुधवार को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को मिले पद्म विभूषण सम्मान को ग्रहण करने के लिए अखिलेश यादव दिल्ली आ रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव भी मौजूद रहेंगी। आज शाम को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये कार्यक्रम शाम 5 बजे होगा। हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। तब भारत रत्न के बाद देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार का ऐलान किया गया था, जिसमें 106 लोगों के नाम शामिल थे। सपा के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव को जब पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई थी, उस दौरान सपा नेता शिवपाल सिंह यादव और सांसद डिंपल यादव ने मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में आज ईडी सीबीआई की रेड को लेकर दायर याचिका पर अहम सुनवाई होगी। ये याचिका 14 विपक्षी दलों ने कोर्ट में दायर की है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट में ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई होगी। आज देश की सर्वोच्च अदालत में ईडी सीबीआई की रेड को लेकर एक अहम सुनवाई होने वाली है। दरअसल 14 विपक्षी दलों ने कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें आरोप है कि सरकार सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने और उन्हें परेशान करने में कर रही है। इनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारत राष्ट्र समिति, शिवसेना उद्धव ठाकरे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और डीएमके शामिल हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच के सामने याचिका सुनवाई के लिए लगी है। पिछली बार जब अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की गई थी, तो चीफ जस्टिस ने 5 अप्रैल को ही सुनवाई का भरोसा दिया था। इसके साथ ही आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,435 नए केस सामने आए। दिल्ली और महाराष्ट्र में भी कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। देश भर में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में रिकॉर्ड 4,435 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 163 दिन के बाद कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 23,091 तक जा पहुंची है। वहीं 24 घंटे के भीतर कोविड से 11 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोविड से 4 लोगों की मौत की जानकारी है। दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में भी कोरोना एक बार फिर से तेजी से फैलने लग गया है। हर दिन मरीजों की संख्या में उछाल देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 24 घंटे में कोरोना के 521 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,710 पहुंच गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपनी हालिया एडवाइजरी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ के कोकवर्धा में कोखदर जिले में खौफनाक वारदात सामने आई है। एक सनसनी कैसे फैल गई, क्योंकि एक सनकी आशिक ने प्रेमिका की शादी से नाराज होकर बदला लेने के लिए कुछ ऐसी साजिश की कि दूल्हे और उसके भाई की जान चली गई। कहते हैं इश्क जब हद से गुजर जाए तो कुछ भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एक सनकी आशिक ने प्रेमिका की शादी से नाराज होकर कुछ ऐसा कर दिया जिससे दो जिंदगियों को जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल बालाघाट के रहने वाले संजू मरकाम का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच प्रेमिका की शादी किसी और से तय हो गई। शादी की बात पर प्रेमी और प्रेमिका में विवाद हो गया। उसी वक्त प्रेमी संजू मरकाम ने दुल्हन और उसके होने वाले पति को सबक सिखाने की योजना बना डाली।
संजू ने साजिश रचते हुए एक दुकान से होम थिएटर खरीदा और उसमें विस्फोटक पदार्थ डालकर उसे असेंबल कर दिया। बाद में उसे शादी के बतौर गिफ्ट प्रेमिका के घर छोड़ दिया। शादी के कुछ दिन बाद दूल्हे के घर में उसे चालू करते ही ब्लास्ट हो गया। इसमें दूल्हे और उसके भाई की मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। संजू मरकाम को गिरफ्तार किया गया है। उस अमोनियम नाइट्रेट और पटाखे का बारूद व पेट्रोल मिलाकर के एक साउंड सिस्टम रहता है उसमें विस्फोटक को बिजली के माध्यम से जब कनेक्ट किया गया था वो ब्लास्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने एक बैंक कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। बैंक कर्मी से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का विवादों से पुराना नाता है। एक के बाद एक इनके कारनामे सामने आते रहते हैं। विधायक बृहस्पति सिंह के कारनामे का एक और वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारियों से मारपीट का वीडियो है। ये पूरा मामला है 3 अप्रैल का, जब पैसे निकालने को लेकर हुए विवाद पर विधायक बृहस्पति सिंह ने क्लर्क और गार्ड के साथ गाली गलौज की और जमकर मारपीट की। वीडियो में आप देख सकते हैं कि विधायक कैसे एक के बाद एक थप्पड़ मारते जा रहे हैं। पहले हमारे कैशियर राजेश सर को गाली गलौज दिए और उसके बाद मारपीट चालू किए। इसके बाद मेरे को बाहर बुलाया, मैं बाहर गया, क्या बोले कुछ बोले ही नहीं, गाली गलौज देने लगे और मारपीट करने लगे। मामले को लेकर बैंक संगठन ने संज्ञान लिया और सरगुजा आईजी को ज्ञापन सौंप दिया गया है। विधायक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। कोझिकोड ट्रेन आगजनी मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र एटीएस ने आरोपी शाहरुख सैफी को गिरफ्तार कर लिया और इस कड़ी में आरोपी शाहरुख के घर केरल एटीएस की टीम पहुंचती है और पूछताछ शुरू की। केरल में ट्रेन में आग लगाने के मामले में रत्नागिरी पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए शख्स का नाम शाहरुख सैफी है, जो नोएडा का रहने वाला है। वहीं पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या ये किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ तो नहीं है, जिसे लेकर आरोपी शाहरुख के घर केरल एटीएस की टीम पहुंची और 2 घंटे की पूछताछ के बाद टीम रवाना हो गई। आपको बता दें कि केरल की कोझिकोड में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया था। 2 अप्रैल को एक एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने को लेकर हुए झगड़े में एक शख्स ने आग लगा दी। आग में कई लोग झुलस गए और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। मेक्सिको में पकड़े गए गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम भारत पहुंच चुकी है। सुबह करीब 4:40 पर पुलिस की टीम भारत पहुंची। और आपको बता दें कि भगोड़ा गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को मेक्सिको में गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि भारत से दुबई, कजाकिस्तान और तुर्की के रास्ते मेक्सिको भाग गया था। भगौड़ा गैंगस्टर दीपक बॉक्सर दिल्ली पुलिस की पकड़ में आ गया है। उसे मेक्सिको में गिरफ्तार किया गया है और फिर उसे दिल्ली लाया गया। दीपक बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का करीबी माना जाता है। दिल्ली में एक हत्या की वारदात को उसने अंजाम दिया था, जिसके बाद इसी साल जनवरी में फर्जी पासपोर्ट के जरिए दीपक भारत से दुबई, कजाकिस्तान और तुर्की के रास्ते मेक्सिको भाग गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने इसे अमेरिकी एजेंसी एफबीआई की मदद से दबोचा है। दीपक उर्फ बॉक्सर जो है यहाँ से कैलकटा गए, कैलकटा से उसके बाद उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और तमाम अलग अलग विदेशों में जाके रहने के बाद जब वो मेक्सिको पहुंचे तो कई सारे जो पुलिस एजेंसीज हैं, सीबीआई है, इंटरपोल है और एफबीआई एजेंट्स के सहायता से यहाँ पे उन्होंने किस तरीके से दीपक उर्फ बॉक्सर को अरेस्ट किया और वापस जो है उनको दिल्ली लेकर के आया गया है। दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार करने का निर्देश गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। पुलिस को बिल्डर अमित गुप्ता की हत्या सहित 10 मामलों में इसकी तलाश थी। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद दीपक उसके गैंग का सरगना बन गया था। अगली खबर अमेरिका से है, जहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर जमकर हमला बोला। फ्लोरिडा में अपने संबोधन के दौरान ट्रंप ने बाइडेन सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए और ये भी कहा कि मैं राष्ट्रपति रहता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यूक्रेन पर रूस हमला नहीं करता, इतने लोगों की जान नहीं जाती। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में सुनवाई हुई। ये सुनवाई अडल्ट फिल्म स्टार टॉमी डैनियल्स को गुपचुप तरीके से पैसे दिए जाने के मामले में हुई। कोर्ट पहुंचने के बाद ट्रंप को गिरफ्तार किया गया
उसके बाद पेशी हुई। कोर्ट में ट्रंप पर 34 आरोप लगाए गए जिसमें उन्होंने खुद को बेकसूर बताया। मैनहट्टन कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद ट्रंप को रिहा किया गया और वो अपने घर फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद ट्रंप ने फ्लोरिडा में लोगों को संबोधित किया। ट्रंप ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमेरिकी इतिहास में ऐसा कुछ होगा। मैंने एक ही अपराध किया है और वो है निडर होकर अपने देश को उन लोगों से बचाना जो इसे तबाह करना चाहते हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बस 2024 में होने वाले चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए फर्जी केस बनाया गया है, इसे फौरन खारिज किया जाना चाहिए। And added them up, they would not have done near the destruction to our country as Joe Biden and the Biden administration. बढ़ेंगे आगे अगली खबर। तेलंगाना पुलिस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बांदी संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। और पुलिस जैसे ही संजय के घर पहुंची, कार्यकर्ता और बांदी संजय के समर्थक उनके घर पर जुट गए और पुलिस को रोकने की पूरी कोशिश की और वहां जमकर हंगामा भी हुआ, जैसे कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश अध्यक्ष ने पेपर लीक मामले में बीआरएस सरकार के खिलाफ बुधवार सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। पुलिस ने इसी सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया है। हालांकि इसे लेकर अभी पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन गिरफ्तारी पर देखिए किस तरह से समर्थक भड़क गए। पुलिस की जीप पर डंडे से हमला किया गया, घेर लिया गया था उसको चारों तरफ से, रोकने की कोशिश की जा रही थी, पुलिस के साथ हाथापाई हुई, पुलिस पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने भी पुलिस पर हमला कर दिया। Z News.